नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल स्टोरीज बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। अगर आप आध्यात्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, विष्णु पुराण जैसी कहानियों को पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। ऑडियो पिटारा पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। आज आप सुनेंगे कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य की कथा। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शर्दवान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शर्दवान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। इन द्रोणाचार्य जी की भी एक विशेष कथा है। एक बार भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पर उन्होंने घृतार्ची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान कर निकलते हुए देख लिया। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हुई और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक यज्ञ पात्र में रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्रांचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूं। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे
तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सींक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सींक से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सींक से गेंद में फंसे सींक को छेदा। इस प्रकार सींक से सींक को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर राज्याश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। Thank you.